फायरबेस का अब तक जो हमने पढ़ लिया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन हमने कर लिया। सबसे पहले क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड कर लिया था। फिर हमने क्या किया, जो यूज़र एक बार क्रिएट हो जाए वो दोबारा क्रिएट हो सकता है, तो वो फिर क्या होगा, साइन इन यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया वो साइन इन कर सकता है। साइन इन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। अगर वो अपना पासवर्ड भूल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसका फंक्शन का क्या नाम है, जी फरुख साहब, मिस्टर रिजवान, फायरबेस डॉक्स बिल्ड ऑथेंटिकेशन वेब और मैनेज यूजर्स में आपको उसका फंक्शन मिल जाएगा, यूजर्स प्रोफाइल गेट करना, इन्फॉर्मेशन अपडेट यूजर्स प्रोफाइल, सेंड अ यूज़र वेरिफिकेशन ईमेल और सेट यूजर्स पासवर्ड। नहीं, ये है सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। अगर यूज़र भूल जाता है तो आप ये वाला फंक्शन चलाएंगे, उसके फर्स्ट पैरामीटर में आप लोग ऑथ भेजेंगे और सेकंड पैरामीटर में ईमेल भेजेंगे, तो वो बनता है ऑथ सेकंड में ईमेल। इस ईमेल पे आपको एक लिंक जाएगा, उस पे जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो यूज़र क्या होगा, वो उसका पासवर्ड रीसेट कर सकता होगा, न्यू पासवर्ड आ जाएगा। ओके जी, सेम इस तरह जो भूला हुआ नहीं, न्यू ऐड करेगा, ईमेल तो वही रहनी है ना, आपके ईमेल पे ही सारा अकाउंट आपका क्रिएट होता है। जिस तरह फेसबुक एग्जांपल ले लीजिए, सेम वही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, साइन इन करते हैं, अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फिर ये वाला फंक्शन चलाते हैं, उसमें आप अपनी ईमेल बस देते हैं तो आपका अकाउंट का जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाता है। ऑथेंटिकेशन के बाद हमने क्या कर लिया था, फायर स्टोर जो कि आपकी डेटाबेस है, इसमें हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद एडडॉक और एंड सेट डॉक। एडडॉक में क्या होता है, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जी सुलेमान भाई, सेट डॉक में क्या होता है, फायरबेस के लेक्चर ले लिया आपने, इसी वजह से आपका नहीं पता। जी फैसल भाई, क्लास तो ली थी ना, तो फिर जी रिजवान भाई, सेट डॉक में क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेट कर लेते हैं, ठीक है, अपडेट हो जाता है इसकी मदद से, लेकिन सेट डॉक की मदद से आपका डॉक्यूमेंट भी ऐड हो जाता है, लेकिन उसमें हम एक चीज़ मज़ीद ऐड करते हैं, वो क्या चीज़ है, हम आईडी देते हैं। ऐड डॉक में क्या होता है, ऑटो आईडी जनरेट होती है, सेट डॉक में हम जो आईडी देते हैं, अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना होगा सेम आईडी से तो वो अपडेट होगा, अदरवाइज न्यू एंट्री ऐड हो जाती है, न्यू डॉक्यूमेंट ऐड। 90% सेट डॉक, सेट डॉक ज़्यादा करते हैं, सेट डॉक ज़्यादा करते हैं, आईडी खुद बनाते हैं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के अंदर हम आईडी भी भेज रहे होते हैं। हर डॉक्यूमेंट में आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, फर्स्ट नेम बनता है, आपका लास्ट नेम बन गया, उसके बाद हम हर डॉक्यूमेंट को एक आईडी भी भेजते हैं, और ये आईडी वही आईडी होती है जिस आईडी के बेस पर आपने ये डॉक्यूमेंट को सेट करवाया होता है। ठीक है, जी, एक ऐड डॉक होता है, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होती है, एक सेट डॉक होता है जिसमें हम आईडी को जो रैंडम आईडी हमने बनाई थी, यू आई डी की मदद से, हमें तो यूनिक आईडी चाहिए बस। ओके जी, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, रीड डॉक्यूमेंट्स
ये हमने कर लिए थे। उसके बाद अपडेट डॉक्यूमेंट, ये हमने किया था सेट डॉक की मदद से, इसी के साथ पॉसिबल है बस। अगर इसकी जगह आप ऐड डॉक रख देते तो फिर क्या होता है, एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड होता न्यू आईडी के साथ, और डॉक्यूमेंट को डिलीट किया था हमने विद डिलीट डॉक, ठीक है। ये इसका अपना फंक्शन है, मीन्स के क्रड ऑपरेशन हो गया आपका पूरा, सी आर यू और डी, क्रड ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ओके जी, डेटाबेस होगी। अब आज जो हमने करना है वो करना है स्टोरेज। इसमें क्या होता है, फायर स्टोर डेटाबेस में आप डॉक्यूमेंट सारा बना लेते हैं, यूज़र का सारा डाटा ले लेते हैं, लेकिन कोई इमेज अपलोड करनी हो, कोई ऑडियो अपलोड करनी हो, कोई वीडियो अपलोड करनी हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब में जितना डाटा, एक वीडियो का जितना डाटा है वो स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, लेकिन वीडियो जो अपलोड हो रही है वो उसके स्टोरेज में अपलोड हो रही है, वो डेटाबेस में अपलोड नहीं होती है। डेटाबेस में आप लोगों का डेटा सिर्फ स्टोर होता है, स्टोरेज में आपके पास कंप्लीट जो इमेजेस वगैरह हैं, ऑडियोज है, वीडियोज है, पीडीएफ फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये सारे के सारे स्टोरेज में आपके स्टोर होते हैं। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया आपका सीडी फायर बेस स्टोरेज, npm स्टार्ट करें, बल्कि कोड डॉट करें, कोड डॉक करने की मदद से आपके पास ये डॉक्यूमेंट और VS कोड ओपन हो गया, और npm स्टार्ट करें तो आपका वो npm स्टार्ट हो जाएगा। जी उस्मान भाई, इतना तो हो जाएगा है ना, लो कह लो 3000 तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसके बाद देखें, मैं आपको बता रहा है, एडिट करो सोर्स ऐप डॉट जी एस एंड सेव टू जीरो। अच्छा जी, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i bootstrap sass firebase react router dom। आप कौन से कह रहे थे, यहाँ पे किसी ने कुछ कहा, कोई और लाइब्रेरी जी, फायरस्टोर उसकी ज़रूरत नहीं है, फायरस्टोर तो फायरबेस से मिल जाएगा ना आपको। ओके जी, इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद मिस्टर रिजवान के अकाउंट में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जी रिजवान भाई, इजाज़त है चले जी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, खुद ही बनाया था मैंने, इसको ओपन कर लेते हैं, अब फिर इसे रहने दें। हम आते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, बल्कि वो भी हमने करना है, हमारे पास ये ऐप आया था, हमने स्टोरेज को अभी तक इसमें इनेबल नहीं किया था। अच्छा जी, अब यहाँ पर आए, ये सेम प्रोजेक्ट मेरे ख्याल आप भी यूज़ कर रहे हैं रिजवान भाई, है ना जी, इसी वजह से, वरना हम तो डिप्लॉय तो हमने किया नहीं, तो तीन कैसे आ रहे हैं। तीसरे मेरे ख्याल ये सुभान भाई होंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स, यहाँ पर आके आपके पास नीचे ये चीज़ आ गई, और अब आपने क्या करना है कॉपी करें इसका। अच्छा जी, और इसे आप npm स्टार्ट कर दें। शुरू से स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये है कि आप लोग की रिव्यून हो जाएगी साथ साथ। यहाँ पर आए सोर्स में, हमने क्या डिलीट करना है, app.css को css कर दें, और index.css को डिलीट कर दें, लोगो भी डिलीट कर दें, और index.js में जाके इसे ख़त्म कर दें, app.js में जाके यहाँ से लेकर
जहाँ तक ये ख़त्म ख़त्म, ये भी चीज़ ख़त्म हो गई आपकी, और ये आपका एप डॉट एस सी एस एस हो गया। ओके जी, इसमें ना आपकी अपनी ऐप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह टेस्ट होती हैं, कुछ है, टेस्टिंग कर सकते हैं, जिस तरह ये बेसिकली काम होता है उनके टेस्टर वगैरह के लिए। एक बड़ी ऐप में बहुत सारे डेवलपर्स टेस्टर्स सारे काम मिलके करते हैं, तो ये आपकी ऐप को टेस्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेस्ट हो गया, रिपोर्ट, वेब वाइटल्स, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है। इस अगर आप इसको डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। खैर, आपकी ऐप जो है चल रही है, सोर्स में आ जाएं, एस सी एस एस, इसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट एस सी एस एस, इंपोर्ट करें। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ है, मैं इसको तो इंपोर्ट कर देता हूँ पहले, नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप, इसमें एस सी एस एस और बूटस्ट्रैप डॉट एस सी एस एस आपका आ गया। ऐप डॉट एस सी एस एस में जाके आप इसको इंपोर्ट कर लें, बूटस्ट्रैप आ गया आपकी। ठीक हो गया जी, अब जब भी हम वो इसको कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं तो हम इस तरह डॉट्स लगाते हैं काफ़ी बैक जाने के लिए, सही है। हमने क्या करना है, एक हमारे पास फाइल होगी यहाँ पर jsconfig.js के नाम से, इसको कॉपी करें और इसको अपने आप प्रोजेक्ट में मेन पे सोर्स के बाहर jsconfig.json को पेस्ट करते हैं। इसमें है क्या चीज़, कंपाइलर ऑप्शंस, बेस यूआरएल क्या है, सोर्स। हम जितना भी काम लेते हैं वो सोर्स के अंदर ही होता है ना, इंपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर वगैरह हो गए, हमारे पेजेस हो गए, राउट्स हो गए, सारे सोर्स के अंदर होते हैं। तो आप किसी भी फोल्डर में हो, आपने जब भी इंपोर्ट करना है आपने डायरेक्ट उस फोल्डर का नेम लिखना है, तो वो सोर्स के अंदर हुआ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सर, सोर्स के अंदर कुछ दो सेम नाम के भी हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल सर एक हेडर है और इसी तरह हेडर से नेस्ट में जाकर हम बनाए तो फिर वो क्या करेगा उसको, वो तो फिर आप डॉट्स जो है ना आपके डॉट्स है उसको नहीं आप करेंगे, सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर है और हेडर के अंदर जो भी फाइल है उसको करेंगे तो वो उस फाइल को ही गेट करेगा। सेम ना, बेशक चार फाइल्स भी हों सेम फोल्डर में तो नहीं होगी, फोल्डर नेम तो चेंज हो रहा है ना, मतलब पहले पेरेंट का लिखेंगे फिर चाइल्ड का, हाँ जी ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, मींस के ये डॉट्स वाला जो सिस्टम है ना ये ख़त्म हो जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, अब आप इसको एक बार दोबारा रन करेंगे तो उस फाइल को गेट कर लेगा। उसको करना नहीं, नोड मॉड्यूल्स को तो वैसे नहीं, ये दरअसल सी एस एस की फाइल को करना पड़ता है बस, एस सी एस एस फाइल को, उसके अलावा नहीं आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आपकी बूटस्ट्रैप होगी, लिंक भी होगी, ऐप डॉट जे एस में भी वो चीज़ आ गई आपके सोर्स में, आपके पास एक फोल्डर बनता है पेजेस का, बस ये चीज़ देखेंगे फोल्डर का नेम जब भी हो, कंपोनेंट के अलावा फोल्डर का नेम जो भी हो, वालेकुम सलाम, तो वो लॉयर केस में ही हो आपका। पेजेस, पेजेस में आप आ जाएं, आपकी फाइल बनेगी routes डॉट जे एस आर एफ सी, इसको आप नाम दे दें, इंडेक्स कस्टम routes दे दें, ए बी सी दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका बनेगा ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट्स, राउट्स के अंदर आपके पास राउट आते हैं, तो राउट तो आप कब बनाएंगे ना, जब आपके पास यहाँ पर पेजेस होंगे, पेजेस में आपके पास अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनेगा, लेट्स सपोज आपकी कोई बड़ी वेबसाइट है, उसमें आपका फ्रंट एंड होता है और डैशबोर्ड होता है जी, स्टोरेज के लिए, आज हमने स्टोरेज का टॉपिक कवर करना है। तो इसमें आपका आएगा फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड आपका इस तरह आएगा, ठीक हो गया जी।
फोल्डर बनेगा। अच्छा ये इसके अंदर बन रहा है, पेजेस के अंदर बनाएं, डैशबोर्ड फ्रंट एंड में आपके पास आपकी मेन फाइल index.js और फ्रंट एंड के अंदर ही अब आपका कंपोनेंट या आपका पेज आएगा होम का। होम होम के अंदर index.js और इसमें आपका सेक्शन बनना है हीरो, आरएफसी हीरो इंडेक्स में आरएफसी जो आपका मेन सेक्शन होता है वो हीरो सेक्शन कहलाता है। एक्सटेंशन है यहाँ पर ये पहले ऑटो रीनेम टैग, ऑटो रीनेम इसमें क्या होता है आप स्टार्टिंग टैग को करेंगे एंडिंग टैग को करें, एक को करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और ऐड भी करेंगे तो ऐड भी हो जाता है साथ साथ। ओके जी हीरो हो गया। अब यहाँ पर आए index.js, इस index.js में बेसिकली फ्रंट एंड की राउटिंग होगी। आरएफसी करें तो ये आपका इंडेक्स बन गया। राउट्स में आए, इस राउट्स में आपके पास बनेगा राउट, पाथ इसका बनेगा फ्रंट एंड का ये, और एलिमेंट आपका बनेगा फ्रंट एंड। इंपोर्ट कर लें फ्रंट एंड को, कहाँ से करना है, हमने करना है पेजेस, पेजेस में जाके फ्रंट एंड। अब देखें अगर हम वो वाली फाइल को यूज़ ना करते jsconfig.json को, हमें क्या करना पड़ता, इस राउट से पहले बाहर निकलना पड़ता। राउट से बाहर निकलेंगे तो बल्कि हम इस तरह लिखते फ्रंट एंड, ठीक होगा जी। एक तो ये तरीका है क्योंकि राउट्स बेसिकली आपके यहाँ पर ही रहने हैं। अदरवाइज़ एक ऑप्शन है क्योंकि फ्रंट एंड आपका हमेशा पेजेस के अंदर ही रहेगा, आप पेजेस लिखें पेजेस के अंदर फ्रंट एंड है। आप इस राउट्स की फाइल को बाहर ले आएँ, इसके अंदर कहीं भी नेस्टिंग कर दें, इसने पाथ इसका यही रखना है। आप पेजेस के अंदर फ्रंट एंड होगा तो वो उसको मिल जाएगा। मेन फोल्डर का नाम जी, अच्छा जी यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर app.js को राउट्स इंपोर्ट करो, राउट्स कहाँ से करो, पेजेस में राउट्स, तो आपका ये आ गया इंडेक्स फ्रंट एंड इंडेक्स। हमने क्या करना है यहाँ पर भी इंपोर्ट करें राउट्स और राउट। अब हमने फ्रंट एंड की नेस्टिंग करनी है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। फ्रंट एंड की नेस्टिंग अगर करते हैं तो फ्रंट एंड में बेसिकली सारी आपकी चीज़ें आती हैं रूट के बाद है। रूट में होम आ जाएगा, रूट के फौरन बाद अबाउट आ जाएगा, रूट के फौरन बाद कॉन्टैक्ट आ जाएगा, इस तरह ही आपके फ्रंट एंड के बनेंगे। यहाँ पर आप लोग लिखें अब राउट्स, राउट नेस्टिंग राउटिंग जो है वो हमने पहली क्लास में की थी W3 स्कूल से जब हमने सीखा था। राउट इसका पाथ जो बनना है फ्रंट स्लैश। अब इसके अंदर आपका मजीद राउट आएगा, इंडेक्स कह दें इसको, और एलिमेंट आपका बनेगा
होम इंपोर्ट करें, होम कहाँ से करना है, पेजेस फॉरवर्ड स्लैश फ्रंट एंड फॉरवर्ड स्लैश होम आपका। अब जैसे ही वो इस राउट पे आएगा इसको एलिमेंट कौन सा मिलेगा, ये वाला। हम कहते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड में एक और है अबाउट, और अबाउट में इंडेक्स डॉट जे एस कह दें, और यहाँ पर आपके लेट सपोज कंपनी के बारे में है तो कंपनी डॉट जे एस आर एफ सी कंपनी, यहाँ पर आके कंपनी को इंपोर्ट कर लें, और यहाँ पर आके अब आपने इसका पाथ देना है अबाउट, और यहाँ पर आपके पास अबाउट आ गया। अच्छा जी जी जी, राउट पाथ फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं ऐड किया क्योंकि जितने भी इसके अंदर राउट्स आएंगे वो सारे के सारे रूट के हैं, ठीक हो गया जी। अब इंडेक्स जो मैंने दिया है वो बेसिकली इस पाथ को कह रहे के इसको वो कर रहे के इस राउट पे आपके पास होम चलेगा, और जैसे ही रूट के साथ मींस के फॉरवर्ड स्लैश के साथ अबाउट आएगा तो फिर कौन सा कंपोनेंट चलेगा, अबाउट का चलेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें हमने की है नेस्टिंग राउटिंग, आप देखें राउट्स हैं, ये राउट्स जो है बेसिकली ये इंडेक्स डॉट जे एस है, ये फ्रंट एंड का है, हमने फ्रंट एंड में क्या लिखा है राउट्स लिख दिया है, ठीक है। इस राउट्स में आए, राउट्स तो यहाँ पर भी है, राउट्स के अंदर हमने राउट्स लिखा है जो कि नहीं लिखना चाहिए, लिख सकते हैं जब नेस्टिंग करनी हो। तो अब क्या करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने यहाँ पर स्टेरिक का साइन लगाना है, जब भी नेस्टिंग राउटिंग करेंगे आपने ये चीज़ लाजमी करनी है, तब आपकी नेस्टिंग राउटिंग चलेगी अदरवाइज नहीं चलेगी। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखें आपका क्या आ गया, हीरो आ गया। अब हम फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स बनाते हैं, इसमें आपके पास हेडर, हम क्या करते हैं फायरबेस स्टोरेज फायरबेस ऑथ सोर्स पेजेस अच्छा जी इसमें हमने वो नहीं बनाया हेडर फुटर, हेडर फुटर नहीं बनाया, कहीं तो बनाया होगा फॉर्म्स आउटर हुक्स हेडर फुटर नहीं बनाया सर, स्टोरेज सॉर्ट्स मैचिंग लुक्स किस पर दूसरी यूज करते हैं, मैं आपको वही बताता हूँ। ये दरअसल मैं फ्रंट एंड पे अब आके कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स में आके हेडर और फुटर मैंने यूज़ कर दिए, ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब आपके पास कंपोनेंट्स में फुटर और हेडर में आपके पास नेवर आ गया, ये आपको एरर देगा, इसको ख़त्म करें। फुटर में आपके पास चलिए फुटर रहने दें, और राउट्स में आके हमने नैव बार और फुटर जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड में दिखाना है। डैशबोर्ड पे आपके पास ना नैव बार होगा ना ही फुटर होगा, आप लॉगिन के पेज पर आते हैं, लॉगिन के पेज में भी आप नैव बार और फुटर नहीं दिखाना चाहते हैं तो फिर आप नेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इस फुटर को सॉरी इस फुटर और हेडर को आपने यूज़ करना है इस जगह पे आके सिर्फ फ्रंट एंड के लिए। तो राउट्स में आगे हेडर और ये आपका फुटर बन जाएगा, जितने भी पेज आप डैशबोर्ड में जाएं किसी भी और पेज पे चले जाएं आपको वो नेवर और फुटर नज़र आना ही आना था। ये
इसकी जगह फॉरवर्ड स्लैश मींस के मेन हमारा ये वाला एलिमेंट होगा, इस तरह हमारे होम के अंदर तो नहीं, वो तो सिंपल हीरो जी फ्रंट एंड के, ये फ्रंट एंड का ये देखे ना, फ्रंट एंड में अबाउट पेज आ गया आपका, होम पेज आ गया, इंडेक्स डॉट जे एस में हमने बताया है कि फॉरवर्ड स्लैश जैसे हो तो आपका होम एलिमेंट चले, अगर अबाउट आ जाए साथ में तो फिर आपका अबाउट चले। हम साइन अप जब हम करते हैं यूज़र को इस पर उसको कहीं ना कहीं तो दिखाना है, जब साइन अप आप करवा रहे हैं उसका डैशबोर्ड होगा ना, फेसबुक जिस तरह आपका डैशबोर्ड बनता है, गूगल आप बना रहे हैं, गूगल सिंपल वेबसाइट तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन जब साइन अप करते हैं तो आप उसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। LMS कह लें, LMS इंपोर्ट करो हेडर, इंडेक्स के अंदर हम राउटिंग करेंगे फ्रंट एंड के इंडेक्स पे, उधर हम फ्रंट एंड डैशबोर्ड और लॉगिन वगैरह की राउटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, पेजेस फ्रंट एंड कंपोनेंट्स हेडर और ये आपका फुटर, सेव करें, माय नेम इज नॉट डिफाइंड, नेव बार में कंपोनेंट्स हेडर नेव बार, यहाँ कहीं माय नेम आ रहा होगा, हाय उस्मान, अनकॉट एरर, इंडेक्स इज नॉट अ राउट कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट ऑफ राउट्स मस्ट बी अ राउट और रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, अच्छा जी। अब जब हमने इंडेक्स में नेवर फुटर हियर इंडेक्स डॉट जे एस नहीं, इसमें इंडेक्स डॉट जी एस में हेडर और फुटर, अच्छा जी राउट्स, और वो आपका राउट बेसिकली राउट्स के अंदर मैं हेडर लिख रहा था और फुटर को भी, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था, तो ये बेसिकली राउट्स के बाहर आते हैं। अच्छा जी बताया नहीं, आप बताते थे ना, बताया मेन एलिमेंट आपका, और अब यहाँ पे जाके एप्रोट एस सी एस एस हैश टैग
रूट डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मिनिमम हाइट 100 VH मेन एलिमेंट को दे दो फ्लेक्स 10 ऑटो तो अब ये सेंटर में आ जाना चाहिए। अच्छा जी हुक्स आपका ये हेडर डॉट एस सी एस एस हेडर के अंदर नैव को जो नैव पर मिला हुआ है उसके अंदर बटन डॉट नैव आइटम बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दो आउटलाइन 0 बॉर्डर 0 हेव डॉट एस 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 में जाके इसको भी करते हैं हेडर नैप लिंक जी। अच्छा जी एव डॉट जे एस में जाके इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप स्मॉल। अच्छा जी अब देखें होम पे और लोगो पे ये आपको होम पे रखेगा अबाउट पे जाएंगे तो ये आपको अबाउट पे ले आएगा और होम पे आना चाहते हैं तो होम पे आ जाएं अबाउट से लोगो पे क्लिक करेंगे तब भी आपको होम पर लेकर आ जाएगा। तो आपकी नेस्टिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें फुटर में हमने यहाँ पे जो किया था इसको एयर कर दें आपका कॉपीराइट 2022 आ गया जी। आपको इस वाले तो पूछ लें फिलहाल जी नक्की लॉगिन में लगता है कि इसकी फाइल में इजाफा हो जाए जी फाइल में इजाफा हुआ है फाइल में तो इजाफा हुआ है पर हमारा स्ट्रक्चर ठीक है ना स्ट्रक्चर ठीक जो उसी सूट में है हम डैशबोर्ड करने वाले जी। अगर तो डैशबोर्ड वगैरह नहीं है आपकी प्राइवेट राउटिंग नहीं है बेसिकली फिर वो पहले वाले आप करेंगे इसमें बेसिकली जिस तरह हम कर रहे हैं ना पेजेस फॉरवर्ड स्लैश आगे वो हम डॉट डॉट नहीं यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल भी मीन्स कि ये डायरेक्ट सबसे पहले सोर्स फोल्डर का देखेगा सोर्स फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स वगैरह हैं ये आपको नज़र आ जाएगी नेट से इंटरनेट से सोल्यूशन मिला था इसका फाइल बहुत पुरानी है मेरे पास बेसिकली तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। अच्छा जी जेसन के अंदर नहीं पड़ी हुई जेसन या सोर्स जो अपना पैकेज डॉट जेसन ये सिर्फ जेएस कॉन्फिग डॉट जेसन की फाइल है मतलब यही फाइल है इसको यही चीज़ लिख देंगे ये मैं आप शेयर कर दूंगा आप लोग से कंपाइलर ऑप्शन बेस यूआरएल क्या कर दो सोर्स फोल्डर और उसमें सोर्स को भी इंक्लूड करो लाजमी तो ये मकसद है बेसिकली। अच्छा जी अब यहाँ पर आप आ जाएं कन्फिग के अंदर firebase.js और अब आप आ जाएं फायरबेस पे कॉपी इंपोर्ट करो और फिर लॉगिन तो नहीं हम कर रहे हमने क्या किया था
चलें ऑथ को भी कर लें, गेट ऑथ कहाँ से करो, फायरबेस में ऑथ से इंपोर्ट करो, गेट फायर स्टोर कहाँ से करो, फायरबेस फायर स्टोर में लाइट आपको मिल जाएगा। और उसी तरह अब आप लोग यहाँ पे फायरबेस में से आपको यहाँ पर मिलेगा स्टोरेज, स्टोरेज के लिए अब आप लोग स्टोरेज लिखेंगे और यहाँ पर गेट स्टोरेज, ठीक है जी। नीचे आ जाएं और ऑथ गेट ऑथ फायर स्टोर गेट फायर स्टोर और यहाँ पर अब आप लोग स्टोरेज गेट स्टोरेज इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एनालिटिक्स ऑथ फायर स्टोर और स्टोरेज एक साथ ही हमने सबको एक्सपोर्ट कर दिया, मींस कि अब आपकी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर आप देखें बिल्ड में ऑथेंटिकेशन हमारा हो गया, फायर स्टोर डेटाबेस हो गया, रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो फिर आप इसको भी करेंगे, स्टोरेज हम करने लगे हैं, होस्टिंग करने लगे हैं। एक चीज़ में फंक्शंस, फंक्शंस और मशीन लर्निंग, बेसिकली जो मशीन लर्निंग सीख रहे हैं ये उनके लिए है। और फंक्शंस जब आप बड़ी बड़ी ऐप्स बनाएंगे, जब पेमेंट्स का आपके पास सिस्टम आएगा, जिस तरह स्ट्राइप एक पेमेंट मेथड है, ठीक हो गया, तो फिर वो फंक्शंस की मदद से होता है, उसके बगैर नहीं आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फिर अब आपका फंक्शन जो है ये सर्वर का काम करेगा। ऑल राइट जी, ये हमारा हो गया। अब आ जाएं आप लोग होम पेज पर, फ्रंट एंड, और होम हीरो सेक्शन। इस हीरो सेक्शन में क्लास नेम py5 डॉट कंटेनर रो कॉलन, कॉलन के अंदर आपके पास h1 अपलोड इमेज या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट कह दें, अपलोड फाइल कह दें, फाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर जी, आपका कॉलन हो गया। अब रो और रो के बाद आपके पास, अच्छा जी, इनपुट अगर आपने भी फाइल भी लेनी है तो इसके लिए भी आप इनपुट एलिमेंट ही यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या है, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है जी, इनपुट टाइप फाइल, क्लास नेम फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल सेव करें और अपनी ऐप में आए तो ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। अपलोड फाइल हमने लिख दिया, चूज़ फाइल करेंगे तो आपके पास ये देखें फाइल्स का आ गया, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। चूज़ फाइल करेंगे, कोई भी फाइल चूज़ कर लें, आप डेस्कटॉप में आ जाएं, डेस्कटॉप में आपके पास ये वाली इमेज मौजूद है, आप इसको करें तो ये देखें ये वाली फाइल जो है वो चूज़ हो चुकी है। अब इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे लेकर आना है, यहाँ पर आप लोग फाइल पूरी नहीं करते हैं। पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना है, आप क्या कह रहे हैं, फोल्डर के अंदर जाके फाइल जी, तो सर ये फाइल ही होगी अपना जो हमारी हम कंप्रेस करके रख लेते हैं कोई भी चीज़, जिप फाइल कह रहे हैं ना, जिप फाइल होगी, वो फाइल में आ जाएगी आपके, इसमें आ जाएं, ई में सॉफ्टवेयर, तो इसमें देखें, ठीक हो गया, इसको करें ओपन करें तो ये वो फाइल सेलेक्ट हो गई। फोल्डर के अंदर ऐसी दो तीन फाइल्स हम सीधा फोल्डर में सेलेक्ट कर सकते हैं, वो फिर और ऑप्शन है,
आप इस तरह नहीं करेंगे, वो फिर सिर्फ फोल्डर आपका होगा, फाइल आपको नज़र ही नहीं आएगी। इस टाइम हम फाइल के मेथड पर हैं, ठीक है। और इसमें भी देखें, जब आप चूज़ फाइल करते हैं, आपके पास सारी फाइल्स आ रही हैं, एक्सी फाइल है, जिप फाइल है, डेस्कटॉप पर आ जाए तो इमेजेस फाइल है, फोल्डर्स हैं, टेक्स्ट फाइल है, हर तरह की, मींस के ये ऑल फाइल सेलेक्ट हैं। हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल स्टोरेज में जितना मर्जी डाटा अपलोड कर दें, लेकिन फ्री जो है वो 1 GB है, फ्री आपके पास 1 GB बस है। कि फाइल टाइप कौन कौन सी सिलेक्ट हो, जिस तरह इमेजेस आपने अपलोड करवानी है तो इस टाइम आपके पास सारी फाइल्स आ रही हैं, ठीक हो गया जी। आप चाहते हैं कि सिर्फ इमेजेस ही मुझे नज़र आए यहाँ पर, तो फिर आप वो कर सकते हैं। कर कैसे कर सकते हैं, एक्सेप्ट करो, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे इमेज और आई थिंक फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक साइन, या फिर सिर्फ इमेज और स्टेरिक, इस तरह सेव करें। चूज फाइल, नहीं, फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, सेव करें। तो ये देखें, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स, और जब आप उस फोल्डर को भी ओपन करेंगे उसमें इमेज होगी तो वह नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास चीज़ होगी। हमने यहाँ पे क्या करना है, const handle file equal to e आपको मिलेगा, console.log e करें, और जब भी ये चेंज हो तो मीन्स के हम लेंगे ऑन चेंज, इस पर आप कह दें handle file, हैंडल फाइल कह दिया हमने, सेव करें और चूज फाइल। जब भी आपने फाइल को सेलेक्ट कर लिया, चेंज हो गया, तो यहाँ पर देखें आपके पास इवेंट आ गया पूरा। इस इवेंट में आपको टारगेट मिलेगा, मिलता है टारगेट में। आपके पास एक और चीज़ आती है फाइल्स, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, मल्टीपल जब होती है ना तो वो आपकी एरे बनती है। सिंगल फाइल होगी तब भी वो एरे ही बनेगी, लेकिन उसके पहली जो है उसका इंडेक्स क्या होगा फिर, ज़ीरो। तो इंडेक्स ज़ीरो में आपको सिंगल फाइल मिल जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, लेट फाइल इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ज़ीरो, तो आपको फाइल मिल जाएगी इसमें। कंसोल डॉट लॉग फाइल करेंगे तो आपको फाइल का पता लग जाएगा। चूज फाइल, हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास फाइल आ गई। अब फाइल की मज़ीद पूरी डिटेल्स आ गई, लास्ट मॉडिफाइड कब हुई थी, लास्ट मॉडिफाइड डेट, उस फाइल का नेम क्या है, साइज़ कितना है, ये साइज़ बेसिकली आपको बाइट्स में बता रहा है, उसकी टाइप की है इमेज फॉरवर्ड स्लैश जेपैग, ठीक हो गया जी। आपको फाइल मिल गई है, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं, इसको सेट करवाते हैं अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, const file set file equal to use state, और इसको फिलहाल आप कह दें null, कि कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फाइल जो है उसकी डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना चाहेंगे तो आप इसको फिर ऑब्जेक्ट भी रख दें। यहाँ पर जब आपको फाइल मिल जाए, इफ फाइल डॉट नेम, मीन्स के अगर फाइल में नेम मौजूद है या फिर फाइल डॉट साइज़ मौजूद है, दोनों चीज़ें होंगी, नेम भी आएगा साइज़ भी होगा, तो आप क्या करें सेट फाइल करवा दें, ठीक है। अगर फाइल डॉट साइज़ नहीं है तो इसको क्या करवाएं, अलर्ट कर दो, प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल, और यहाँ से ही रिटर्न करा दें ताकि वो नेक्स्ट किसी भी फंक्शन पे ना आए,
और यहाँ पे जाके आप फिर सेट फाइल करवा सकते हैं। वो मीन्स यही है ना, इफ से रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट आना ही आना है। तो नेक्स्ट आने का मतलब कि आप यहाँ पे फिर फाइल को स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा जी, फाइल जैसे ही अपलोड हो जाए, आपको फाइल में उसका नेम मिल रहा था, मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ही आप इसके नीचे फाइल डॉट नेम है तो क्या करो, पी एलिमेंट, और यहाँ पर आप उसका फाइल डॉट नेम और फाइल का साइज भी दिखा सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं नज़र आएगा, चूज फाइल करें, ये करें, तो यहाँ पे देखें आपको फाइल का नेम आ गया। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग फाइल हमने करवा दिया, अब आ जाएं फायरबेस पर। जी, अक्सर होता है कि कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं ना, बूटस्ट्रैप का यूज़ ना करते तो आपको फाइल नेम शायद ना नज़र आता, ये बूटस्ट्रैप की वजह से है। दूसरी चीज़ ये कि हमने सिर्फ नेम करवा दिया, आप साइज़ करवा सकते हैं, तो साइज़ के लिए भी आपके पास जावास्क्रिप्ट रिएक्ट फाइल साइज, फाइल साइज लाइब्रेरी, अच्छा जी फाइल साइज के नाम से है बस। अब इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल साइज हमने इंपोर्ट कर लिया, उसमें साइज भेज दिया, साइज आपको मिल रहे, उसमें मिल रहा है ना फाइल डॉट साइज में, तो आप सिंपल उसमें बाइट्स भेज देंगे और आपको साइज मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें, इंपोर्ट करो फाइल साइज, कहाँ से करो, फाइल साइज से, ये इंस्टॉल होगी तो आपको पता लग जाएगा। ओके जी, फाइल साइज, अच्छा जी यहाँ पर यूज़ इफेक्ट करें सिर्फ इसको देखने के लिए कि आपको फाइल साइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग फाइल साइज में 1024 भेजते हैं, सेव करें, अपनी ऐप में आए तो ये देखें 1.02 KB उसने ऑटोमेटिक उसमें भेज दिया, 1000 करते तो ये आपको पूरा 1 KB बता देता। सिर्फ फाइल साइज़, ये तो फाइल साइज़ है ना, इसमें तो हम स्टैटिक अभी डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, ये तो कंसोल डॉट लॉग करवाया हमने बेसिकली। इसको अब आप ख़त्म कर दें, इससे भी आप ख़त्म कर दें, नीचे जाके जहाँ पर आपको फाइल मिल रही है, फाइल का नेम और साइज़ जो है वो फाइल साइज़ से ले लें, और इसमें आप भेज दें फाइल डॉट साइज, सेव करें, चूज़ फाइल करें, इसको करें, तो ये देखें अब आपको 363 KB बता रहा है, बेसिकली इसने बाइट्स से KB में कन्वर्ट कर दिया खुद से ही, तो लाइब्रेरी बहुत यूज़ होती है। अच्छा जी, ये तो अभी हमारा सिर्फ इतना सा काम हो गया, अब सेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं कि इतनी ही फाइल जब के यूज करें, कि 20 KB की, यहाँ पे आ जाएं, 20 KB कितना बनता है आपका बाइट्स में, बाइट्स में 1024 बाइट्स बराबर होता है वो 1000 बाइट्स, बेसिकली 1000 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 1000 सिर्फ 1000 ज़रबे 20 करें, 20,000 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर फाइल का साइज़ नहीं है, मतलब कि उसने कोई अपलोड ही नहीं की, यहाँ पर आप करें चूज़ फाइल, इसको कैंसिल करें,
तो फाइल कोई भी नहीं मिली, तो प्लीज सेलेक्ट अ फाइल कंसोल डॉट लॉग फाइल चूज फाइल फाइल आपने चूज कर ली, चूज फाइल कैंसिल करें। अच्छा अब वो एरर दे रहा है क्योंकि अनडिफाइंड आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे कहें अगर फाइल नहीं है तो प्लीज सेलेक्ट अ फाइल, चूज फाइल कैंसिल करें। चेंज ऑन चेंज पे अच्छा फाइल बिल्कुल ब्लैंक, प्लीज सेलेक्ट अ फाइल, फिर इसको अच्छा वो आ जाते हैं फाइल डॉट साइज पे। अगर फाइल है और फाइल डॉट साइज ग्रेटर देन 20,000 तो फिर क्या करो, प्लीज सेलेक्ट योर फाइल साइज इज ग्रेटर देन 20 KB। योर फाइल इज ग्रेटर देन 20 KB, फिर उसने यहीं से रिटर्न कर देना, आगे वो फंक्शन नहीं चलाएगा। फाइल ज़रूर सेलेक्ट होगी पर वो नहीं करने दें जी, 3.47 MB, क्योंकि हमने जो फाइल सेलेक्ट की थी वो अब ये वाली की थी, इसका यही साइज़ है 3.30 MB आपको बता रहा है। ये बेसिकली 1024 में आपको बता रहा है और ये हम यहाँ पे ये यहाँ पर आपको 1000 में बताएगा। अच्छा जी इसका अब ये हो गया आपका, अगर फाइल नहीं है कंसोल डॉट लॉग फाइल इज़न्ट फाउंड और यहाँ से ही रिटर्न करता हूँ। फायरबेस पे आ जाएं, अभी हम थे ऑथेंटिकेशन पे, अब आएँ स्टोरेज पे, स्टोरेज वेब की गेट स्टार्टेड। अच्छा जी इसके लिए भी सबसे पहले अब आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, बिल्ड में स्टोरेज, स्टोरेज में है तो यहाँ पर आपके पास ये स्टोरेज, ठीक है ये एक बकेट बन जाता है बेसिकली आपके पास, एक बकेट एक टोकरी बन गई आपके पास और उस टोकरी में आपके पास फाइल्स आने लग जाएंगी। फ्री अगर यूज़ करें तो 1 GB तक कर सकते हैं, अगर 1 GB से ज़्यादा जाएंगे तो फिर आप उसको पे करेंगे। कर सकते हैं तो जी, लेट सपोज आप अपनी वीडियोस में YouTube जैसी बना रहे हैं, एक यूज़र एक फाइल अपलोड करता है 1 GB की, डाटा आपका ख़त्म हो गया, दूसरा यूज़र आता है वो अपलोड नहीं कर सकता है, आप कहते हैं दूसरा यूज़र आ जाए पहले कि मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना, तो इसलिए फिर आपको पे ही करना पड़ेगा अगर आप अपनी वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो। ओके जी, एड योर बकेट URL टू योर ऐप, गो टू योर स्टोरेज डैशबोर्ड इन द फायरबेस कंसोल, क्लिक फाइल्स टैब, कॉपी द URL योर क्लिपबोर्ड इट इज़ यूजली। अच्छा जी ये सब तो हमने किया हुआ है, फायरबेस कन्फिग में स्टोरेज बकेट आ रहा है हमारे पास, फायरबेस में स्टोरेज बकेट हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी, ठीक हो गया जी, और स्टोरेज हमने गेट स्टोरेज किया हुआ है। उसके बाद आपके पास ये
नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, यहाँ पर स्टोरेज बकेट भी ऐड है हीरो में आके, मींस के जहाँ पर हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं, अगर फाइल मिल जाती है रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब हमने क्या करना है, गेट स्टोरेज तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक हो गया। गेट स्टोरेज में स्टोरेज, ये स्टोरेज अब हमें कहाँ से मिल जाएगा, फायरबेस कॉन्फ़िग में से। उसके बाद स्टोरेज का एक रेफ क्रिएट किया जाता है, क्रिएट अ स्टोरेज रेफरेंस फ्रॉम आवर स्टोरेज सर्विस। उसके बाद जब रेफरेंस क्रिएट हो जाए, उस रेफरेंस में इमेजेस रेफ, अगर आप इमेज को भेज रहे हैं, अगर आपने इमेज अपलोड करनी है तो जाहिर सी बात है जिस तरह आप एक फोल्डर बनाते हैं उसी तरह एक फोल्डर बनता है। यहाँ पर एक आपका फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर फायरबेस स्टोरेज में, उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल का नेम आप लोग रखना चाहते हैं तो वो वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास। ये करेंगे कैसे, सिंपल रेफ को इंपोर्ट कर लें, यहाँ पर इंपोर्ट रेफ फ्रॉम फायरबेस स्टोरेज और इंपोर्ट करें स्टोरेज कॉन्फ़िग फायरबेस। अब ये देखें, अब ये कॉन्फ़िग फायरबेस, आप इस फाइल को हीरो वाली फाइल को कहीं पे भी ले जाएं, पूरे अपने सोर्स फोल्डर के अंदर कहीं पे नेस्टिंग कर लें, कहीं पे ग्रैंड नेस्टिंग कर लें, कुछ भी कर लें, आपको इस चीज़ का एरर नहीं मिलना कभी भी, क्योंकि ये डायरेक्ट सबसे पहले सोर्स में जाएगा, सोर्स में कॉन्फ़िग फोल्डर होगा और फायरबेस। अगर आप कॉन्फ़िग का फोल्डर आगे पीछे करते हैं फिर ये एरर देगा। ओके जी, अब const images ref equal to ref, ref में आपके पास firebase storage का reference, वो आपका आएगा storage, और उसके बाद url। आप अगर images upload कर रहे हैं तो images, ठीक हो गया जी, forward slash आप जो file upload करना चाहते हैं उसका name, यहाँ पर आप बेसिकली यूनिक आईडी देते हैं स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह रखें और यहाँ पे रैंडम आईडी कॉन्स्ट रैंडम आईडी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग 36 डॉट स्लाइस टू। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जबानी याद हो गई आप लोग को, अच्छी बात है। अच्छा जी, इमेजेस रेफ हो गया आपके पास है। अब आपने नेविगेट विद रेफरेंस, ये चीज़ आपकी होगी, और हमने आना है बेसिकली, अच्छा ये सिर्फ रेफरेंस का है, अपलोड अ फाइल्स में आ जाए डायरेक्ट, यहाँ पर अपलोड अ फाइल, गेट स्टोरेज हो चुका है ऑलरेडी, रेफ भी हमने इंपोर्ट कर लिया। रेफ आपने जो भी बनाना है, रेफ क्रिएट अ रेफरेंस टू इमेजेस माउंटेन्स डॉट जेपीजी, अब इमेजेस का फोल्डर और आगे फाइल का नेम। अच्छा जी, रैंडम आईडी जब करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ रैंडम आई जी रैंडम आईडी, और यहाँ पर आपके पास इसका पाथ भी आना चाहिए, ठीक हो गया जी। जी पिक्चर का पाथ एक्सटेंशन, बेसिकली इसकी एक्सटेंशन आनी चाहिए, तो आप एक्सटेंशन कैसे गेट कर सकते हैं इस फाइल में, फाइल डॉट नेम में आपको एक्सटेंशन मिल रही है, रिएक्ट ऐप, यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन मिल रही है ना आपको, ठीक हो गया। आप लास्ट डॉट से पहले पहले इसको कैसे ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट गेट फाइल एक्सटेंशन, फाइल वन ये है, फाइल टू ये, गेट फाइल एक्सटेंशन रिटर्न XSL और रिटर्न करिए ये जी, मतलब जनरली बहुत सारे मिल जाते हैं आपको जी, ये इसका रिटर्न करो फाइल नेम
डॉट स्प्लिट ये करें और डॉट पॉप कर दें तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा। कॉन्स्ट फाइल या फिर ext कहते हैं एक्सटेंशन, ext ही कहते हैं, इक्वल टू फाइल डॉट नेम फाइल ext कहते जी फाइल ext फाइल ext ठीक है जी फाइल ext हो गया आपके पास। और अब बल्कि आप इसको भी ना देखें फिलहाल कंसोल डॉट लॉग फाइल एक्सटेंशन करें तो आपको उसकी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और रैंडम आईडी करें तो आपको रैंडम आईडी मिलनी चाहिए। रिएक्ट ऐप चूज फाइल ये जेपीजी है जेपीजी करें चेंज हुई है पर वो नहीं आया चूज फाइल ओके जी जेपीजी और ये आपके पास रैंडम आईडी आ गई। चूज फाइल करें पीएनजी वाली यहाँ कहीं अगर हो ये इस पे करें तो ये देखें अब आपको वो पीएनजी मिल रही है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर जाके डॉट फाइल ext ठीक है जी रैंडम आईडी ये बेसिकली बनेगी आपकी उसका फाइल फाइल की नेम डॉट लगा के फाइल की एक्सटेंशन रैंडम आईडी इमेज नेम है इमेज नेम इमेज नेम उससे जाएगी ओके जी। अब यहाँ पर गेट स्टोरेज हो गया रेफ हो गया और अब अपलोड बाइट्स हम इंपोर्ट करेंगे फाइव बेस स्टोरेज से। आपको अपलोड बाइट्स एक फंक्शन मिलेगा और इसको आप कह दें अपलोड बाइट्स स्टोरेज रेफ की जगह हमारे पास क्या आएगा इमेजेस रेफ क्योंकि आप इमेजेस अपलोड अगर कर रहे हैं फाइल में आपकी फाइल जाएगी जो आपने अपलोड की मीन्स के जो सिलेक्ट किया डॉट देन स्नैपशॉट कंसोल डॉट लॉग अपलोडेड अ ब्लॉग और फाइल तो हम यहाँ पे कह देते हैं अपलोडेड आ जी जिस तरह हम अपने यहाँ पर सेम नेम को यहाँ पे पेस्ट करें सेम नेम और एक्सटेंशन को क्या वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी कॉपी लिखा हुआ है ना तो क्या होगा कि सेम नेम से सेम फाइल नहीं आएगी। उसी तरह अगर हम सेम नेम की फाइल को अपलोड करते हैं कहीं से भी सेम नेम आ जाए तो वो फाइल को ओवरराइट कर देगा ओवरराइट हो जाएगी तो जहाँ जहाँ आप उसको गेट कर रहे हैं हर जगह वो न्यू फाइल ही आएगी तो इसलिए कभी भी सेम नेम के साथ नहीं करते हैं। एक तरीका है कि आप फाइल का नेम भी यहाँ पे यूज़ कर लें और साथ में रैंडम आईडी यूज़ कर लें ये हो सकता है ज़रूर आईडी डिफरेंट हो गया। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं न्यू आईडी लेकिन फाइल का नेम नहीं आएगा फाइल का नेम बेसिकली ये बन रहा है आपका रैंडम आईडी डॉट फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे अगर आप करें कंसोल डॉट लॉग रैंडम आईडी प्लस डॉट प्लस फाइल एक्सटेंशन आपकी ये चीज़ बनेगी या फिर अगर आप इसको करते हैं रिएक्ट ऐप में आए ठीक है ये चीज़ प्लस डॉट प्लस बल्कि पी एन जी कहते हैं इसको डायरेक्टली आपकी ये चीज़ बनेगी फाइल का नेम ये बनेगा आपका ठीक है जे पी जी होगी तो जे पी जी आ जाएगी। किस चीज़ की यू आई डी से
यूआई टी तो आपकी वो चीज़ है ना, जब आप यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़र तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हम सिंपल फाइल अपलोड कर रहे हैं। अच्छा जी, इमेजेस रेप में अपलोड करो इस नेम्स के ज़रिए, और फाइल कौन सी होगी जो हमने सेलेक्ट की है, और जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी तो आपको अपलोड डेटा फाइल आ जाना चाहिए। अब फाइल जैसे मिल जाए आप इसको, अच्छा जी हैंडल फाइल यहाँ पे हम कहते हैं एक और, डॉट रो कॉलन ये चीज़ आ गई, और आपके पास डॉट रो कॉलन बटन अपलोड क्लास नेम btn सक्सेस ऑन क्लिक हैंडल अपलोड कहते हैं, ठीक हो गया जी। फिलहाल इसको रहने दें, अभी मैं आपको एक चीज़ बस दिखा दूं, पहले ये अपलोड का आ गया, मार्जिन टॉप से 3 कर दें, टेक्स्ट एंड कर दें, तो यहाँ पर ये एंड पे आ जाएगा। रिफ्रेश कर लें एक बार, चूज़ फाइल, इसमें आप इस फाइल को अपलोड करें, ओपन। अच्छा जी, रैंडम आईटी इज नॉट अ फंक्शन, क्यों नहीं है भाई? अच्छा जी, रैंडम आईडी फंक्शन नहीं है, सही कह रहा है वो, रैंडम आईडी की ये चीज़ है, तो वो नेक्स्ट मूव नहीं हुई। रिफ्रेश करें, चूज फाइल, तो ये आपका फाइल JPG हो गया जी। कनेक्शन अनकॉट इन फायरबेस स्टोरेज एंड अननोन एरर, प्लीज चेक द एरर पेलोड फॉर सर्वर रिस्पॉन्स। अपलोड फाइल्स में है, ई कॉमर्स में। अच्छा जी, इसका भी रूल्स है, इसके रूल्स में है, तो यहाँ पर शायद फॉल्स ही हो, इस वजह से वो अपलोड नहीं हुई होगी। अगर ट्रू है तो फिर इसे अपलोड होना चाहिए। ये देखें, अलाउ रीड राइट इफ फॉल्स, आपने इसको भी ट्रू करना है। पब्लिश करें, तो ये होगी। रिएक्ट ऐप में आए, दोबारा से अपलोड करें। अच्छा हाँ जी, हमने उस पर नहीं लगाया। चूज फाइल, फाइल अपलोड, फाइल आ गई, एक्सटेंशन आ गई, फाइल नेम आ गया विद एक्सटेंशन, और ये देखें अपलोडेड अ फाइल, फाइल अपलोड होगी। फाइल अपलोड कैसे, जैसे हमने फाइल को चूज़ किया ऑटोमेटिक उसने अपलोड कर दिया, क्योंकि हमने फंक्शन यहाँ पर ही लगाया हुआ है, हमने इसे किसी बटन पर नहीं लगाया। तो यहाँ पर आएँ, फाइल्स में आए, यहाँ पर एक इमेज़ का फोल्डर बना होगा और उसके अंदर एक फ़ाइल होगी, ये देखें इमेजेस, इसके अंदर अब एक फ़ाइल होगी रैंडम आईडी विद एक्सटेंशन, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे देखें वही आपके पास इमेज आ रही होगी। इमेज आ गई, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये फाइल, ठीक हो गया जी। कहीं पे भी राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज कर दें, कॉपी कर दें, शेयर कर सकते हैं। अब इसका यूआरएल जो बन रहा है ना, वो ये यूआरएल है, इसको आप कॉपी करें, इसको आप कहीं पे भी यहाँ पर आके बेशक इस ब्राउज़र में आके पेस्ट करें, तो ये यहाँ पर आपको इमेज नज़र आ जानी चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पर आ रही है, आप यहाँ पर भी हैं, एम वाई कह दें, डॉट रो कॉलन img सोर्स में, अच्छा बल्कि स्टैटिक ही आएगा आपके पास, ये डाटा आ गया आपके पास स्टैटिक, और ऑल्ट में इसको कह सकते हैं इस्लामिक क्लास नेम img ब्लूट, सेव करें, तो यहाँ पर आपको अपनी ऐप में वो इमेज नज़र आ जानी चाहिए। ये देखें, अब ये इमेज कहाँ से आ रही है, फायरबेस स्टोरेज में से आ रही है, ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास इमेज आ गई। अच्छा जी, अब यही चीज़ हमने क्या करनी है, जब इस बटन पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर वो आपके पास चीज़ आनी चाहिए, ऑन क्लिक हैंडल अपलोड, ऑन क्लिक, सॉरी
const handle upload equal to, अब जैसे ही हम हैंडल चेंज करें, हैंडल फाइल करें, इसने क्या करना है, सेट फाइल में उसको फाइल को रख दे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर ही आपको ई मिलेगा। तो आप क्या करें, सेट फाइल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ज़ीरो, जी यही बनना है ना, इतना ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ज़ीरो। अब क्या करें, आप यहाँ पर जब फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है, हैंडल फाइल आपका चल नहीं रहा अब आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा फंक्शन आप उठा के लिए हैं यहाँ पर। अगर फाइल नहीं है, अब ये फाइल कहाँ पर है, यहाँ से आ रही है, तो हैंडल फाइल बेसिकली वैसे ही नहीं चल रहा, इसको स्किप कर दें आप। ये फाइल आपको यहाँ से मिलेगी। अब बेसिकली फाइल तो उसको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्रू। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर फाइल साइज नहीं है तो फाइल इजंट फाउंड, फाइल एक्सटेंशन फाइल डॉट नेम डॉट स्प्लिट, ये चीज़ होगी कंसोल डॉट लॉग फाइल ई। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप ये लगाते ना, इसको क्या कहा जाता है ये हम बाद में देखेंगे, फाइल एक्सटेंशन रैंडम आईडी और यहाँ पर आप एक लोडर लगा दें, कॉन्स्ट इज अपलोडिंग सेट इज अपलोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट है फॉल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके आपके पास जो बटन आ रहा है, हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं इज अपलोडिंग है, बल्कि अगर अपलोडिंग नहीं हो रही है तो फिर क्या दिखाओ, अपलोड बटन और अदरवाइज ये चीज़ दिखाओ, ऐसी है। अगर अपलोडिंग नहीं है तो अपलोड, अगर अपलोडिंग हो रही है तो फिर क्या दिखाओ, यहाँ पर आपका आएगा div क्लास नेम स्पिनर बॉर्डर, अपलोड, और अगर इसको आप ट्रू कर दें तो ये आपका स्पिनर बॉर्डर आ गया, ठीक है जी। और स्पिनर बॉर्डर आप इसको SMB था शायद, स्पिनर SM, साइज में जाके स्पिनर बॉर्डर SM, स्पिनर बॉर्डर SM, तो ये बेसिकली अब आपका इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम क्या कहते हैं, चूज फाइल करो, अपलोडिंग बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, चूज फाइल, जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो क्या करो आप, सेट इज अपलोडिंग को कर दो ट्रू, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेट इज अपलोडिंग को कर दो फॉल्स। साथ ही साथ अगर आप अपलोडर यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, स्पिनर दिखा भी रहे हैं, बटन ये फिर भी काम करेगा, आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डिसेबल्ड इज अपलोडिंग ट्रू है
अगर इज अपलोडिंग ट्रू है तो डिसेबल कर दो, अदरवाइज डिसेबल ना करो। अभी अपलोड, अच्छा जी इसको आप फिलहाल इमेज ना दिखाएं, ऊपर जाके मैं अगर इसको ट्रू कर देता हूँ तो ये आपका बटन देखें अपलोड हो गया, और मैं इस पर क्लिक भी करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये आपका अपलोड का बटन काम करेगा। चूज़ फाइल करें, ये फाइल आपकी, अपलोड करें तो ये देखें अपलोड लग गया। एमपीटी फाइल नहीं, बेसिकली अपलोडिंग हो रही है तो यूज़र को पता लग रहा है कि इमेज जो है वो अपलोड हो रही है। जी एक तो क्लिक ना हो सके दोबारा, और यूज़र को पता लगे कि वो अपलोड हो रहा है, फाइल अपलोड हो गई। जैसे अपलोड कंप्लीट होगा, जैसे अपलोड कंप्लीट होगा कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, और साथ ही हम क्या कह रहे हैं सेट इस अपलोडिंग को कर दो फॉल्स। आपकी इमेज अपलोड हो गई है, यहाँ पर अब आपके पास इमेजेस में मज़ीद इमेज आ रही होगी। आगे फाइल्स में इमेजेस, और इमेजेस में एक आपकी ये फाइल थी, और अब आपके पास एक ये फाइल आ गई। ठीक है जी, इसमें एक और चीज़ है, जब फाइल अपलोड करते हैं तो आपके पास प्रोग्रेस बार आता है, आता है ना अक्सर वेबसाइट्स में, आप YouTube पे कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, Google पे अपलोड कर रहे हैं, आपके पास प्रोग्रेस बार आता है कि कितनी फाइल अपलोड होगी, कितने परसेंटेज होगी, अब तो वो फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ भी नहीं किया, पहले हम हैंडल फाइल पे लगा रहे थे, जैसे फाइल चेंज हो, जैसे ही फाइल हम सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक हम उस पर अपलोड लगा रहे थे। अब हमने क्या किया कि जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो तब फंक्शन एग्जीक्यूट हो। बाकी ये चीज़ हम कल भी देखेंगे, इसको देखिएगा, फाइल ज़रूर अपलोड कीजिएगा जाके। बाकी कल थोड़ा सा ही काम होगा, बहुत थोड़ा सा, ये प्रोग्रेस बार वाले की कंप्लीट ना एक क्रड ऑपरेशन, वो फिर हम कल से बनाना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और परसों फिर हमारे पास बहुत टाइम है, 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो। ठीक है सुमान भाई, मीन्स के करेक्ट ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, अल्लाह खैर करें। जी कोई सवाल हो किसी का, जी का क्या हमने, जी कोई सवाल हो, इवेंट ई के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स कि आप लिखते हैं अपना नाम लिखते हैं शाहजेब, तो शाहजेब डॉट टारगेट करेंगे तो आपको मिलना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन है बेसिकली ना, वर्ड्स यही हैं, ई लिखें या इवन लिखें इससे पता लगता है। आप शाहजेब लिखेंगे किसको क्या पता कि शाहजेब क्या है, ई से होता है कि ई डॉट टारगेट और से वो गेट कर रहे हैं इस पिक्चर को, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स जीरो इंडेक्स पे आपकी पहली फाइल होती है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही फाइल ऑन चेंज लगाया है, फाइल जैसे चेंज होती है तो सेट फाइल में वो फाइल अपलोड हो जाती, यहाँ पे सेट हो जाती है। अब यही फाइल हम नीचे ले रहे हैं, अगर फाइल में साइन, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये मैं आपको कल बताऊंगा कल क्या चीज़ है ये, नीचे वाला कोड दिखाएगा जहाँ पे ई डॉट इवेंट सेट फाइल में ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स और जीरो। जी रिजवान भाई हो जाएगा, अल्लाह खैर करें, बाकी काफ़ी बेहतर होगी माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।